गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट इज़ अ हिंदी क्लास. ओपन योर हिंदी नोटबुक शब्द कुटीर पेज नंबर 30. ऑन पेज नंबर 30 and 31 चार वर्णों वाले बिना मात्रा के शब्द आज हम पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. पहला पिक्चर किसका बना हुआ है, किस पेड़ का है? बरगद का. किसका? बरगद. और बरगद किन चार वर्णों को मिला के बनता है? बा, रा, गा, दा, बरगद. दूसरा चित्र है दमकल का. किसका? दमकल. और दमकल किन चार वर्णों को मिला के बनता है? दा, मा, का, ला, दमकल. चौथा चित्र है सर्कस का. सर्कस की स्पेलिंग सा, र, का, सा, सर्कस. ये चित्र है खटमल का. और खटमल कैसे लिखते हैं? खा, टा, मा. ये चित्र है वाटर बॉटल, यानी हिंदी में इसको कहते हैं थर्मस. थर्मस कैसे लिखते हैं? था, रा, मा, सा, थर्मस. ये चित्र बना हुआ है शरबत का. शरबत लिखते हैं शा, रा, बा, ता, शरबत. ये चित्र है टमटम का. टमटम कैसे लिखते हैं? टा, मा, टा, मा, टम टम. और आखिरी चित्र है अचकन का. अचकन कैसे लिखते हैं? छोटा आ, च, का, ना, अचकन. बरगद, दमकल, सर्कस, खटमल, थर्मस, शरबत, टमटम, अचकन. इस तरह से हम लोग चार वर्णों को मिला करके एक शब्द बनाते हैं. ओके किड्स, आपको डेली इन शब्दों का रीडिंग करना है, इन्हें पढ़ना है और इन्हें अच्छे से याद करना है. नाउ किड्स, ओपन योर हिंदी नोटबुक एंड पुट टुडेज डेट 22nd of February 2021 और हेडिंग डालिए इमला शब्द. हिंदी में हम लोग आपको कुछ शब्द इमला बोलेंगे, यानी डिक्टेट करेंगे. और जो शब्द हम बोलेंगे आपको उसका स्पेलिंग उसे खुद से लिखना होगा. इसका मतलब है इसके लिए आपको वो शब्द अच्छे से पढ़ने और लिखने आने चाहिए. तो लेट स्टार्ट. पहला शब्द है अचकन. पहला शब्द है अचकन. अचकन कैसे लिखते हैं? छोटा आ, चा, का, ना, अचकन. दूसरा शब्द है अदरक. अदरक की स्पेलिंग क्या होती है? छोटा आ, दा, रा, का, अदरक. तीसरा शब्द है बरगद. बा, रा, गा, दा, बरगद. चौथा शब्द है टमटम. टा, मा, टा, मा, टमटम. पांचवा शब्द कसरत. क, सा, रा, ता, कसरत. छठा शब्द दमकल. दा, मा, का, ला, दमकल. सातवां शब्द है तरकश. त, र, क, श, तरकश. आठवां शब्द है
मतलब मा त ला बा मतलब नौवा शब्द थर्मस थ रा मा सा थर्मस दसवां शब्द उपवन छोटा उ प वा ना उपवन। इस तरह से हमारे इमला शब्द पूरे हो गए हैं। अचकन अदरक बरगद टमटम कसरत दमकल तरकश मतलब थर्मस उपवन। सो किड्स, आपको ये इमला शब्द अपनी हिंदी नोटबुक में इन होमवर्क में कंप्लीट करना है। ओके, योर क्लास इज ओवर नाउ। थैंक यू।